डिंडौरी में ईसाई मिशनरी स्कूल के हॉस्टल में छात्र छात्राओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने अचानक निरीक्षण करने पहुंची बाल कल्याण आयोग की टीम को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्कूली बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जुनवानी स्कूल के हॉस्टल से, जहां अचानक निरीक्षण करने पहुंची बाल कल्याण आयोग की टीम को स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाई। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल के शिक्षकों और हॉस्टल के स्टाफ द्वारा उनके साथ गलत हरकतें और मारपीट की जाती है। इस मामले पर बाल विभाग की टीम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डिंडौरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इस घटना की जानकारी दी। महिला थाना में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संस्था के प्राचार्य सहित 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बाल विकास संरक्षण आयोग से आए हैं। इसके अलावा ओमकार सिंह जी हैं, बाल आयोग के सदस्य। हम लोग दोनों वहाँ से आए थे। डिंडौरी में कौन कौन सी संस्थाएं चल रही हैं हम वो देखना चाहते थे। हम दोपहर के समय आए, उसके बाद हम लोग एक छात्रावास में गए जहाँ बालिका बाल छात्रावास चल रहा है और स्कूल चल रहा है। वहाँ पर जब हम जाके बच्चों से मिले तो रहने की व्यवस्था हमें बहुत दयनीय स्थिति में मिली। बच्चों के सोने की चीज़ें ठीक से नहीं थी, बिस्तर ठीक से नहीं थे। जब वहाँ पर बच्चों से चर्चा करी तो बच्चों ने सबसे पहले तो हमें बताया कि बच्चों को मारा पीटा जाता है, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात हमारे सामने उठी। इसलिए हमने NCPCR में भी उस उद्देश्य पर बात करी और गंभीरता से बच्चों से चर्चा करके वो चीज़ को पूछा। एक एक करके सभी लोगों ने बालकों के साथ हमने चर्चा करी, बालिकाओं के साथ, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं हमारी महिला, उन्होंने सारी चर्चा करी। तो बच्चों ने बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठाए जिनको लेकर हम फिर ये निष्कर्ष में पहुंचे, सभी लोग निर्णय लेके कि इस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए और कानून की जो धाराएं हैं बहुत सारे उनका उल्लंघन है। बच्चियों के साथ भी थोड़ा कुछ गलत हुआ है, छेड़खानी हुई है। इसके अलावा बच्चों के साथ भी अत्यधिक मारपीट हुई है जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ है, खाने में समस्या, रहने में समस्या। इसलिए सारे मुद्दे के साथ हमने SP और कलेक्टर से बात करी, कायमी हो गई है। अब आगे की कार्रवाई जैसे जैसे आपको होती जाएगी बताते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।